सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सेंटर को और बेल आइकन दबाइए इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर में मैं बिपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं पावर सेविंग डिवाइस के बारे में। जी हां, इसी तरह के पावर सेविंग डिवाइस आपको जो ई कॉमर्स साइट पर मिल जाएगी और बहुत सारे उसमें स्पेक लिखे होंगे कि आपका जो पावर का बिल है, यूनिट कंजप्शन है, वो 30% कम कर देगी, इतना पावर बिल आएगा, इतना ये है वो है, ऐसे सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या सही में काम करता है, इसके अंदर होता क्या है और किस तरह से आपका पावर का जो बिल है वो कम कर पाता है, यानी कि होम वायरिंग के लिए, होम लाइटिंग के लिए बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स साइट पे आपको मिल जाए। देखिए, ये जो भी चीज़ है या कोई भी टाइप की आप खरीद लेंगे, कुछ इस शेप की होगी या उस शेप की होगी, किसी भी शेप की चीज़ आप खरीद लेंगे ई कॉमर्स साइट पे, यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी ऑनलाइन से आप परचेस कर लेंगे, तो ये सिर्फ एक ही काम करती है पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की। अब पावर फैक्टर इम्प्रूव करने से ये बात भी सही है कि पावर का बिल कुछ हद तक कम हो जाता है, मगर क्या हमारे घर पे पावर फैक्टर इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्या इसकी ज़रूरत है हमारे घर पे, तो इस पे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले लोड के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे घर पे जो लोड होता है पावर का, वो किस टाइप का होता है, यानी कि 3 टाइप के कुल लोड होते हैं पावर में। सबसे पहला है हमारा रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव का मतलब है रुकावट, जहाँ पे पावर को जाने से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में रुकावट पैदा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिव लोड। तो रजिस्टिव लोड किस टाइप के होते, तो हमारा ये टंगस्टन लैंप है, ये एक रजिस्टिव लोड है, उसको हम लोग रजिस्टिव लोड बोलते हैं। अब बात करते हैं इंडक्टिव लोड की। तो इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर इम्प्रूव करना जरूरी होता है। तो इंडक्टिव लोड किसको हम बोलते हैं, देखिए इंडक्टिव लोड बोलते हैं जो मोटर को, जो हमारी सिंगल फेज मोटर हो या 3 फेज मोटर हो, वहाँ पे एक हम इंडक्टिव लोड क्रिएट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट करवाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट करवाने के लिए और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए, उस लोड को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव लोड। जो जहाँ पे वो जो ताकत लगती है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, वो एक इंडक्टिव लोड कहलाता है। इंडक्टिव लोड से वो चलती है चीज़, वहाँ पे पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे वोल्टेज और जो करंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे दोनों नहीं चल पाते हैं हमारे वोल्टेज और करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमें वहाँ पे पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। और फिर कैपेसिटिव लोड क्रिएट करते हैं इसका बैलेंस करने के लिए। ये दोनों पावर फैक्टर है, रेजिस्टिव पावर फैक्टर, इंडक्टिव पावर फैक्टर। इंडक्टिव में पावर फैक्टर इम्प्रूव करना पड़ता है और कैपेसिटर हम लगा के वहाँ पे कैपेसिटिव लोड करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। मगर क्या हमारे घर पे ज़रूरत रहती है, हमारे घर पे तीनों टाइप के लोड आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टिव लोड की। तो रेजिस्टिव लोड अपने घर पे मिल जाएगा आपको, बहुत सारी चीज़ में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं इंडक्टिव लोड में। तो जी हाँ, इंडक्टिव लोड भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि पानी का मोटर है, रेफ्रिजरेटर है, ऐसी चीज़ में इंडक्टिव लोड भी आपको मिल जाएगा और कैपेसिटिव लोड भी आपको कुछ हद तक घर में मिल जाता है। तो हमारे घर पे कोई ऐसा लोड नहीं है कि वहाँ पे पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़े, यानी कि हमारे घर का पावर फैक्टर इतना भी लैगिंग नहीं हो रहा है कि उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़े। तो बात करते हैं कि पावर सेविंग डिवाइस किस तरह से फिर हमारे पावर को सेव करते हैं, यूनिट कंजप्शन को कम कर पाता है। देखिए, इसके अंदर कुछ होता नहीं है, एक घटिया सा कैपेसिटर लगाया हुआ होता है। तो ये कैपेसिटिव लोड लगातार वहाँ पे देता रहता है और बताता है आपको कि हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूव कर रहे हैं। बस पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की चीज़ है। नॉर्मल हमारे घर में पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है, इससे अच्छा है तो आप कैपेसिटर लगा दो लोड के हिसाब से। मगर ये चीज़ फिर भी लोग परचेस करते हैं, इसमें पैसा वेस्ट करते हैं और घर में लगाते हैं। और ये सबसे बुरी बात ये है कि ये जो चीज़ आती है, इसमें बहुत ही घटिया टाइप का कैपेसिटर लगा हुआ होता है, यानी कि बहुत ही हल्का कैपेसिटर, उसमें लो कॉस्ट का कैपेसिटर इसमें यूज़ किया होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये डर भी रहेगा कि पता नहीं इसका कैपेसिटर कब फट जाए। तो इसीलिए ये चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर में बहुत सारी मोटर आप यूज़ करते हैं और इंडक्टिव लोड ही है आपके घर में, रेजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर है तो आप ये चीज़ परचेस कर सकते हो। बाकी ये चीज़ परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये
पावर सेविंग डिवाइस है क्या और क्या हमें इसकी ज़रूरत है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।